नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं ब्रह्मास्ट्रिक। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने विंडोज़ 11 में डेस्कटॉप पर उसके पीसी का आइकन वगैरह जो रिसाइकल बिन है कैसे लाए। मैं बताऊंगा दोनों अपडेट जो अभी तक विंडोज़ में आया है। ये देखिए, जो फर्स्ट अपडेट आया है उस पर पहले मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले राइट क्लिक करिएगा, ये फर्स्ट वाला अपडेट जो आया था लीक हुआ था। उसके बाद आपको जाना है पर्सनलाइज में, और पर्सनलाइज में जाने के बाद यहाँ पर देखिए थेम्स में जाना है। और थेम्स में जाने के बाद नीचे आ जाइएगा, डेस्कटॉप आइकन सेटिंग यहाँ पर है। और यहाँ पर जैसे ही जिसको भी आप जिसे यहाँ पर टिक करिएगा और ओके कीजिएगा, तो उसके बाद आप देखिएगा तो डेस्कटॉप पे ये देखिए दिस पीसी आ गया। और भी जो भी आइकन आपको लाना है तो आप यहाँ से बस टिक करते रहिए, वो आपको आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए सारा आइकन आ चुका है। अब देखिए विंडोज़ 11 इंसाइडर प्रीव्यू वाला जो अपडेट आया है, जो लेटेस्ट वाले अपडेट वाले, हम कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे, और इसके बाद आपको पर्सनलाइज में जाना है। और पर्सनलाइज में जाने के बाद नीचे आना है, और यहाँ पे थेम्स में क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद नीचे आइएगा, तो देखिए डेस्कटॉप आइकन सेटिंग यहाँ पे आ गया है। यहाँ पर क्लिक करिएगा तो यहाँ से सेम पीछे वाला प्रोसेस अप्लाई कर लीजिएगा, हो जाएगा। ये नहीं चेंज हो रहा क्योंकि ये मेरा विंडोज़ एक्टिव नहीं है, विंडोज़ एक्टिव नहीं है, फिर भी मैं बहुत सारे काम कर ले रहा हूँ। और कैसे मैं सब कर ले रहा हूँ अगला वीडियो में बनाऊँगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।